मुनक्न है, जिसे दिल्ली के लोगों की वाटर सप्लाई पाइपलाइन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। गर्मियों में जब दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही थी, इसी मुनक नहर से पानी की चोरी रोकने के लिए पहरा लगाना पड़ा था। उसी मुनक नहर से दिल्ली में बाढ़ आ गई है। दिल्ली का बवाना इलाका पानी में डूब गया। इसकी वजह है मुनक नहर के तटबंध का टूट जाना। तटबंध कैसे टूटा? लीकेज था, कमजोर हो गया था, या फिर किसी की साजिश है? ये सवाल भी सामने आने लगे। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुनक नहर की दीवार कैसे टूटी? ये वो सवाल है जो आज दिल्ली पूछ रही है। ये वो सवाल है जो बवाना के लोग पूछ रहे हैं। ये वो सवाल है जिसकी वजह से दिल्ली में बिन बारिश ही बाढ़ आ गई। दिल्ली का एक एक इलाका पानी पानी हो गया। सड़कें भर गई, गलियों में कमर तक पानी जमा हो गया, घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इधर मुनक नहर का पानी उनके घरों में, उनकी कॉलोनी में भर रहा था। सुबह जब नींद खुली, गलियों में, सड़कों पर, घरों से बाहर पानी ही पानी भरा था। 10-11 जुलाई की आधी रात अचानक ही मुनक नहर के तटबंध का एक हिस्सा ढह गया और पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। जब तक शासन, प्रशासन और सरकार की नींद खुलती, नहर के पानी को रोका जाता, पानी के बहाव को कहीं और डाइवर्ट किया जाता, दिल्ली के बवाना इलाके में बाढ़ आ गई। ये वो मेन हिस्सा है जिसको, जो इतना बड़ा था, पूरा तटबंध बना हुआ था, लेकिन बावजूद उसके वो हिस्सा टूट गया है। और कैसे टूटा, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन जो है वो अपना काम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर आपको जो एक तरीके से आनंद उठाते हुए दिख रहे हैं इस बड़ी घटना का, लेकिन आप देखिए तस्वीरें, देखिए कितनी परेशान करने वाली है। मुनक नहर के तटबंध का एक हिस्सा टूट चुका था। अधिकारियों को इसकी खबर रात करीब 2 बजे लगी, लेकिन जब तक प्रशासन कोई कदम उठाता, पानी बवाना के जेजे कॉलोनी में भर चुका था। हरियाणा सिंचाई विभाग ने नहर के बहाव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। मुनक नहर के दूसरी ओर से सब ब्रांचेज की ओर डाइवर्ट किया गया, लेकिन तब तक नहर से आए पानी में बवाना डूब चुका था। हम एल ब्लॉक में खड़े हैं, बवाना के जेजे कॉलोनी में, और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से इस कॉलोनी में जो मुनक नहर से पानी आ रहा है, यानी कि जो बांध टूटा है उसकी वजह से इतना पानी भर गया है। लोग जो हैं बाहर से फिर सामान लेकर अंदर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजाकत। नजाकत, कहाँ, कैसे हुआ ये और कैसे पता लगा? ये सर रात में 1 बजे करीब क्या होते हैं, नहर फट गई थी, उसका पानी इतनी तेज आ रहा था कि आए तो समझ लो मिनटों में भर गया पानी यहाँ पर। पानी भर गया। अब आप फिर वापस घर जा रही हैं? हाँ, वापस घर, पानी लेकर जाए ना ही, बाहर से पानी लेकर जा रही हैं। हाँ, वहाँ से पानी लेकर जा रहे हैं। देख लीजिए गली का क्या हाल है। पूरी गली में जो है वो इस तरीके से इस कदर पानी भर गया है, लोग पीने के पानी के लिए जो है वो परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुनक नहर में जिस जगह तटबंध टूटा है, पानी का बहाव अब बहुत स्लो हो गया है। धीरे धीरे पानी की रफ्तार कम हो रही है। जिस जगह नहर टूटी है वहाँ पर मरम्मत का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर तटबंध टूटा तो टूटा कैसे? ये किसी की साजिश है या फिर अफसरों की लापरवाही? दिल्ली सरकार का कहना है कि नहर की दीवार बहुत मजबूत बनाई गई है, इसकी मिट्टी भी गीली नहीं है, इसीलिए इस बात को नहीं माना जा सकता कि जिस जगह तटबंध टूटा है वहाँ पर लीकेज था या फिर सीपेज हो रहा था। तो सवाल है कि क्या किसी साजिश के तहत मुनक नहर में टूट को अंजाम दिया गया है? दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि साजिश के एंगल में भी जांच हो। इसको देख सकते हैं कि ये प्रॉपर पक्का कनाल है, कंक्रीट भी है, ब्रिक लाइनिंग भी है, और अगर आप इसके पीछे की मिट्टी भी देखिए तो उसमें सीपेज का कोई प्रमाण नहीं है। अगर पानी की लीकेज हो जिसकी वजह से धीरे धीरे करके टूटा हो, वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल एम्बैंकमेंट की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई है, पूरी तरह से पक्की है। तो इसलिए देखिए अभी पहली प्रायोरिटी है इसको रिपेयर करना। एक बार ये रिपेयर हो जाए, फंक्शनल हो जाए, तो प्रॉपर इस पे इंक्वायरी करी जाएगी। नहर के टूटे हुए हिस्से को आज किसी भी वक्त ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल है कि जिस मुनक नहर से दिल्ली को पानी की सप्लाई होती है, जिस मुनक नहर से पानी की चोरी को रोकने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाए जाने का दावा किया जा रहा था, नहर की देखरेख के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों के अलावा जवानों की भी तैनाती की बात की जा रही थी, उस मुनक नहर का एक हिस्सा टूट जाता है और शासन प्रशासन को इसकी भनक कई घंटे बाद होती।
मुनक नहर के पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा में हमेशा से विवाद होता रहा है, सियासत होती रही है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर मुनक नहर का पानी रोकने का आरोप लगाती रही है, अब तटबंध टूटने को लेकर भी सियासत गरमा रही है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि सही तरीके से देखरेख और समय पर मरम्मत ना होने पर ऐसी घटनाएं तो होंगी ही। दिल्ली सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हैं। हम इसमें जितना सहयोग कर सकते हैं केंद्र से, पूरी करने के लिए आगे बढ़े। दिल्ली पर आए इस जल संकट ने लोगों के घरों को बेमौसम ही पानी पानी कर दिया है। बवाना के इस जेजे कॉलोनी में गली, रास्ते, घर, हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए 2 से 3 फीट पानी में डूब कर जाना पड़ रहा है। बवाना की जेजे कॉलोनी में पानी भर जाने से लोगों को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के सामने आने जाने की मुश्किल तो है ही, चारों ओर पानी ही पानी भरा है। जैसे तैसे लोग कहीं आ जा पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल पीने की पानी का खड़ा हो गया है। इसी मुनक नहर को दिल्ली की वाटर लाइफलाइन माना जाता है। इस नहर में पानी हरियाणा से आता है, दिल्ली के एक बड़े हिस्से की प्यास बुझती है। यही वजह है कि इस नहर की पेट्रोलिंग तक होती है, लेकिन अब इस नहर का एक हिस्सा टूट चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली के हैदरपुर, बवाना, द्वारका और नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर असर पड़ा है। ये चारों प्लांट करीब करीब बंद हो गए हैं। अब जब तक नहर की मरम्मत नहीं हो जाती, नहर में पानी दोबारा से फिर से नहीं छोड़ा जाता, ये चारों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद रहेंगे, जिसका सीधा असर पीने की पानी की सप्लाई पर होगा। सोशल मीडिया पर एक दावा ये भी किया जा रहा है कि जिस जगह ये तटबंध टूटा है, वहीं पर रिसाव देखा जा रहा था। ये रिसाव पिछले करीब 2 हफ्ते से दिख रहा था, पानी रुसते हुए बवाना की ओर बह रहा था। दावा ये भी किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी अपने जनप्रतिनिधियों को दी थी, बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया गया। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने सवाल उठाए कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों पर एक्शन होना चाहिए। दिल्ली सरकार के जल बोर्ड के अधिकारियों को जब लोगों ने शिकायत की तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए था। हरियाणा सरकार मुनक नहर का सारा व्यवस्था देखती है, लेकिन हर व्यक्ति को पता है कि अगर पानी का रिसाव हो रहा है तो जल बोर्ड को ही कहेगा। जल बोर्ड के जो एक्सीएन थे, एससी थे, एई थे, जेई थे, अगर उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया तो उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा त्रासदी यहाँ पर करवा दी। मुनक नहर का तटबंध कैसे टूटा, कौन लोग जिम्मेदार हैं, जांच के बाद इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल है कि कभी पानी की किल्लत तो कभी पानी की बर्बादी के नाम पर होने वाली सियासत का खामियाजा दिल्ली के लोग कब तक भुगतेंगे। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन।